केमिकल से भरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना छोड़ो और इसका इस्तेमाल करो, 10 गुना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार, आयुर्वेद टीवी के इस फ्रेश न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपने चेहरे का ग्लो बढ़ाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ मैं आपको एक ऐसा प्राकृतिक उपाय देने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अंदरूनी तौर पर अपने चेहरे का ग्लो बढ़ा सकते हैं। हमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने चेहरे का ग्लो तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम अपने चेहरे पर केमिकल से भरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे चेहरे का ग्लो कुछ समय के लिए तो बढ़ा देती हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। अगर आप परमानेंट ग्लो पाना चाहते हैं अपने चेहरे पर, तो आज मैं आपको अंदरूनी तौर पर किस तरीके से आप इस ग्लो को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने चेहरे को और भी ज़्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। एक ऐसा नुस्खा आपको बताऊंगा जिसका इस्तेमाल अगर आप मेरे बताए तरीके से करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। चाहे आप महिला हों चाहे आप पुरुष हों, अगर आप अपने चेहरे का ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बताया गया मेरा नुस्खा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की और वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, इस नुस्खे में आपको लेना है आंवले का पाउडर। आपको बता दूं, आंवले का पाउडर स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। स्किन के साथ ही साथ अगर आपके बॉडी में हीट काफी ज्यादा है जिसके कारण आपको बॉडी में पिंपल्स की समस्या होती है, तो भी आप इस नुस्खे का यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका पाचन ठीक से नहीं होता, जो कुछ भी आप खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, तो भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये जानते हैं आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले इस तरीके से एक ग्लास लीजिए और उसमें आपको डाल देना है लगभग आधा चम्मच के करीब इस तरीके से आंवले का पाउडर। एक बात आपको बता दूं, ये जो आंवला है ये काट कर सुखाया हुआ आंवला है, और अगर आप इसे घर पर बनाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। देखिए, मार्केट में तो मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसे घर पर बनाकर इसका इस्तेमाल कर सके तो मेरा ऐसा मानना है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं इसका नीचे दे दूंगा, आप बाय कर सकते हैं। अब जब आपने इस तरीके से आंवले का चूर्ण ले लिया, तो अब इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर पानी। और ध्यान रखिए, जो पानी होना चाहिए वो गुनगुना पानी आप इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं गुनगुना पानी। गुनगुना पानी से मेरा मतलब ये है कि ऐसा पानी जो कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ऐसा पानी जो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, मीडियम से थोड़ा सा गर्म रहे तो ठीक है। इस तरीके का पानी आपको लेना है, और इस तरीके का पानी का अगर आप सेवन करते हैं तो ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आइए चलिए बात करते हैं कि इस नुस्खे का आपको यूज़ प्रयोग किस तरीके से करना है। तो देखिए, इस नुस्खे का प्रयोग आपको डेली बेसिस पर सुबह खाली पेट करना है। जी हाँ, अगर आप डेली बेसिस पर इस नुस्खे का सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो मात्र 30 दिनों तक, जी हाँ मात्र 30 दिन, और आप रिजल्ट अपने चेहरे पर अपने शरीर पर खुद ब खुद देखेंगे। काफ़ी अच्छा नुस्खा है और काफ़ी इफेक्टिव इसके रिजल्ट हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे और बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। अगर आप आयुर्वेद टीवी पर इस प्रकार की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि भविष्य में आप इस प्रकार की और वीडियोस देख पाएं। चलिए मैं आपसे मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।